पानी दीजिए। अच्छी है पानी, जल्दी पानी नहीं आए हम कितने गए। और यहां पर पीछे खड़े हैं हमारे कच्ची टाइगर्स के कैप्टन स्मिथ दैया, बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है स्मिथ दैया। नहीं स्मिथ ऐसे ही बुलाया, स्मिथ हमारे बीच आए यहां पर। स्मिथ कैसा लग रहा है आपको अपने ही टीम के सामने जीतने के लिए? कुछ तो बोलिए। और यहां पर फिर से मैच प्रगति की ओर, तीसरा बॉल लेके आ रहे हैं अंकित ठक्कर उर्फ पिजन। बहुत ही अच्छा बॉल था यहां पर अंपायर द्वारा नो का कॉल, अंपायर चर्चा विचारणा कर रहे हैं। नो बॉल कैंसल यहां पर। एनिश मैं आपको बता दूं बाल बाल बचे हैं। अगला बॉल हार्दिक, और चार रन निकल गया यहां पर। हाथ का बॉल था यहां पर, चार रन निकल गया और एनजीबी के खेमे में खुशी की लहर, उनके लोकल बॉय हार्दिक की तरफ से चार रन। ये था सर्विस फोर चौथा और शॉट ही अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर दीपक ठक्कर द्वारा। दीपक ठक्कर जिनकी एज है 38 पर फील्डिंग करते हैं 16 साल जैसे, और एक अच्छा क्षेत्र रक्षण दीपक ठक्कर 38 साल के प्लेयर पर फील्डिंग में इतनी स्फूर्तनी की 16 साल जैसे। एक ओवर के समझे स्कोर होता हुआ 10 रन, एक ओवर 10 रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत बिना कोई विकेट खोए, एक ओवर 10 रन। अगला ओवर लेके दीपक फुल टॉस बॉल है यहां पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण हो रही है, अच्छा क्षेत्र रक्षण हो चुका है यहां पर 2 रन चुराने में एनजीबी कामयाब। और एक चौका यहां पर कोई का बॉल पे 8 बॉल 16 रन, बहुत ही महंगा साबित हो सकता है ये ओवर, पहले 9 बॉल पे 6 रन आ चुके हैं। और यहां पर राइजिंग अटैकर्स के 2 प्लेयर बाउंड्री पे बहुत ही देखते हुए एनजीबी की मैच विनिंग मोड और रुपेश ठक्कर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं दोनों प्लेयर। दीपक लेग साइड मार दो हाथ पे जाए, और एक फुल टॉस यहां पर वहीं अटक गया बॉल। विमल ठक्कर को समझ में नहीं आ रहा, विमल
मरडिया को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहां पर। वो बहुत ही बड़े क्षेत्र दर्शन यहां पर विमल द्वारा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विमल को बॉल हाथ में आ गया, तभी समझ में आ गया कि बॉल हाथ में आ गया मेरे जितेंद्र नरपत मरडिया, सन ऑफ नरपत मरडिया। बढ़िया शॉट यहां पर अनिक द्वारा, कोई रोक नहीं सकता, दो ओवर के साथ स्कोर होता हुआ 22 रन, 12 रन है ये ओवर के 22। बहुत ही महंगा साबित होता हुआ ये ओवर, फर्स्ट बॉल अलाउड। बहुत ही अच्छा बैटिंग यहां पर अंकित द्वारा, हार्दिक द्वारा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अंकित द्वारा और यहां पर हार्दिक का विकेट जाते हुए। इसके बाद की मेन ओवर बाकी है, यहां पर हार्दिक छोड़ दिखे पर यहां पर बैटिंग पर आ गए हैं एनजीबी के गब्बर। ये नेक्स्ट गब्बर बॉयज है कि नेक्स्ट टीम बॉयज है ये पूछना पड़ेगा टीम का। गब्बर वाई प्लस वन, अंकित ने विकेट के लिए पर सामने एक्सपीरियंस नहीं दे रही है। वाई प्लस वन अपनी हाथों को देखने के लिए क्या कर रहा है, कहां कहां मुड़ रहा है। और दो रन और ये सूझ बूझ के साथ खेला और दो रन के लिए और इनिंग ओवर। लिया यहां पर नहीं तो मुझे लगा कि और एक चार अंकित रॉय और इसके मेन बॉलर थे और उन्होंने बहुत ही काफी महंगी और डाली। तीनों के सामने स्कोर होता हुआ 38 रन, 16 रन की ओवर है अंकित की तरफ से जो कि बहुत ही महंगी साबित है। तीन ओवर 38, ओवर की समाप्ति पे स्कोर होता हुआ 3 ओवर 38। और इसके साथ मैच का टर्निंग पॉइंट पावर ओवर। दीपक ऐसा लगता है कि मैग्नेट लगा के आए हैं फील्डिंग में।
बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बड़ी की रिक्वेस्ट है कि बाउंड्री, जितने भी प्लेयर्स बाउंड्री पे बैठे हैं प्लीज बॉल ना आ रहा है, कोई भी प्लेयर फील्डिंग पे करते हैं प्लीज ना आ रहा है, और इसके साथ ये डेड बॉल, ये डेड बॉल था, अंपायर को यहां पर दो रन, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर है, टोटल चार रन मिल चुका है यहां पर एनजीबी के टीम को, दो भागा एक नोका और एक ओवर थ्रो, टोटल चार रन मिल गए हैं यहां पर एनजीबी को, काफी महंगा साबित होते हुए ये बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर एनजीबी द्वारा, तीनों की सदस्य ने स्कोर कर 38 रन, मिस चिराग ने मिस कर दिया यहां पर, नहीं तो माइनस 5 मिलता था, ऑलरेडी बहुत ओवर महंगा था, उसी बीच यहां पर फील्डिंग में चली और चिराग थक्कर जो कि प्रोफेसर है और एक उधर वो बाउंड्री जा चुके हैं, और एक रन ओवर, चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर होता हुआ 54 रन, चार ओवर 54, बहुत ही बढ़िया ओवर ये, आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं चिराग ठक्कर, दर्शकों को बता दूं जो ये मैच यहां पर लाइव नहीं दे सकते उनके लिए रघुवंशी प्रीमियर लीग द्वारा आरवाईबी द्वारा यूट्यूब पे आप ये मैच लाइव देख सकते हैं, और होम केबल पे भी, बॉल नो बॉल और डायरेक्ट बार, कीपर चेंज किसने नहीं बोला था, फुल टॉस बॉल डायरेक्ट बार, रन काउंट बॉल काउंट विकेट काउंट 55 रन, और आखिरी 5 गेंदे, नमन अगली मैच दो रन, राइडर्स वर्सेस महाशाहपुरा नेक्स्ट मैच, इस बीच 2 रन, रॉकी राइडर्स और महाशाहपुरा के प्लेयर्स रेडी हो जाइए, नेक्स्ट मैच है, और एक बार फिर बढ़िया कैच यहां पर रितेश द्वारा, जो कि ओनर है रॉयल वॉरियर्स के, बहुत ही अच्छा कैच लिया यहां पर,
बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहां पर दो विकेट ले चुके हैं प्रोफेसर चिरागी ओवर में और एक बार मार दिया यहां पर तीसरे विकेट जाते हुए यहां पर एंटी की ये ओवर में बहुत ही संभल कर और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाली है रॉयल वॉरियर्स ने कैप्टन गब्बर बहुत ही तनक चुके हैं वाइड बॉल बात करते हुए और पहुंच गए ये सब सर्वो इंजन ऑयल का कमाल है सुबह के अंदर डालते हैं सर्वो इंजन ऑयल एक रन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग चिराग ठक्कर द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉयल वॉरियर्स के जो मेन बॉलर चिराग ठक्कर है ना ही कि अंकित ठक्कर और एक बॉल को टॉस दो बॉल तो बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण यहां पर दीपक द्वारा जैसा कि मैंने आपको बता दिया सभी को इनकी उम्र है 38 साल की पर ये फील्डिंग करते हैं 16 साल जैसे लड़कों जैसे ऐसे हमारे दीपक ठक्कर अभी भी खेल दो अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन आउट प्लीज आर्ग्यू ना करें एफआई डिसीजन लास्ट रहेगा अंपायर के डिसीजन से कोई ना लड़े अंपायर डिसीजन नो बॉल प्लस वन डायरेक्ट बार स्टंप के बाद डायरेक्ट नो बॉल प्लस वन आखिरी गेम के लिए चिराग भी बहुत ओवर खा रहे बॉल आउट हाथ को लग के बॉल तारे स्टंप पे लगा एक ही रन नहीं नमन पांचों के चौथे स्कोर होता हुआ 64 यानी जीत तो ये चाहिए 65 रन अंकित जो टारगेट लेके उतरे थे वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट मैच है मां आशापुरा लेवे वर्सेस रॉकेट राइडर्स टिकट भाई पांडे प्लीज टॉस लगा क्या चुवंजा मां आशापुरा तरफ क्या हूं विनती करता हूं मनोज भाई के रॉकिंग राइडर्स कैप्टन मेहुल ठक्कर मेहुल भाई टॉस लगाएगा कैप्टन है मयूर ठक्कर एरा मां आशापुरा एकड़ी मैच हारी चुकी है અને રોકી ગાઈડન્સ પછી પહેલી મેચ રમી હતી ઓકે કોલ કે લીધો માસા પર કોલ લીધા અને કોલ આવે હેસ લોગો આવ્યો હેસ રોકી ગાઈડન્સ વોન ધ ટોસ એન્ડ ઇલેક્ટેડ ટુ ફેલ ફર્સ્ટ એટલે महासापुरा इलेवन की पांच बैटिंग
मनोज भाई अगर लगे तो क्या लींबू फरा गया चो आई टॉसा जा रहा था बाउंड्री जी के इरा विनंती के जो कैप्टन फुटते हैं चलो कान के कल यूट्यूब लाइव पे सबका प्लेयर का नाम बता फील्डिंग आई हर ठक्कर हार्दिक ठक्कर बल बले के छा इधर रॉयल वॉरियर्स के जीतेला करे कपिता 65 रन क्या सुधी अंकित भाई क्या सुधी मनीष टारगेट पॉसिबल है लीला पर रॉयल वॉरियर्स बैटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है ओके एनजीडी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है श्रीलंका का मलिक काम के आ गए शुभम ठक्कर इंडियन लैपटॉप चैलेंज हेमंत ठक्कर ये भी पांच से बचने हैं हेमंत ठक्कर हद पर गई खाली हेमंत ठक्कर इंडियन लैपटॉप चैलेंज चार रन बारी में कहते हैं एक चिंदू चार धावा एक चिंदू चार धावा मस्त बैटिंग करते हुए कुणाल साहब धावा सागर मुंगेरी मुंगेरी नाम कैसे पड़ा सागर अपने मैच के बाद और बहुत ही बड़ा फील्डिंग वाले द्वारा दो गेंद चार रन लॉरेंस ने इन्हें बहुत सक्सेसफुल ले लिया हम अफ्रीका है बहुत ही रोक आ गए थे उड़ी मार दी और ये बड़ी अच्छे प्रदर्शन यहाँ पर लॉरेंस द्वारा लॉरेंस सकल एनजीबी के चौथे की वर्ड बन चुके हैं ये समझ में नहीं आया यहाँ पर आपला कौन है सबने लाड़ी बनाई है आपला कौन है आपला बहुत ही बड़े क्षेत्र रक्षण यहाँ पर और एक बार लॉरेंस द्वारा और नेक्स्ट मैच है मार्शल इलेवन वर्सेस रॉकिंग राइडर्स और यहां पर थ्रो करने जा रहे थे हार्दिक पर एक ओवर की समाप्ति स्कोर होता हुआ सात रन ना माइक तेरे बाजू में हाँ तो माइक में बोल सकते हैं आप
अगली ओवर झट बॉल चार रन और मैं प्लेयर से विनती करूंगा कि कोई भी ग्राउंड के बीच में मैच चले यहां पर जॉनस तक हो चुके हैं तो अभी वो हवा में उड़ी मार सकते थे लॉरेंस छक्का की जगह हम इनको बना देते हैं लॉरेंस रोड्स और एनिस चांद की जगह एनिस आमला बहुत ही बढ़िया फील्डिंग निकुम द्वारा अगला मैच है रॉकी क्लाइडर्स वर्सेस मां आशापुरा इलेवन मां आशापुरा इलेवन अपनी पहली मैच हार चुकी है और रॉकी क्लाइडर्स के लिए एक प्लस स्टार्ट है नो बॉल प्लस वन स्टेडियम कचा कच भरा हुआ है यहां पर रघुवंशी का मैदान और बढ़िया बैटिंग द्वारा यहां पर चिरा द्वारा सागर पुजारा तेज है इसलिए इनका नाम है पिगर इंग्लिश में गुजराती मात के वाय कबूतर और यहां पर बॉल घूम गया पर मिल चुका है वापस गंबर चेस को कुछ समझाते हुए सुमो ने टेम्पो को कुछ कभी कान में बोल दिया कि भाई तू 40 फिगर है मैं 60 फिगर हूं बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पर हार्दिक द्वारा हार्दिक थक जिनका मैंने आपको बता दिया था कि इनके घर पे किसी को भी संरक्षण की जरूरत हो तो हार्दिक के घर पे जा सकते हैं उस बीच बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वापस लॉरेंस द्वारा हार्दिक की मम्मी ने घर पे 50 किलो लेके रखा है संरक्षण का पांडे कक्ष में जो आ मारता है पिंजा किलो जो मारदार मैंने रखे हैं बात को चौके जो है बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर कवर ड्राइव दो रन की सदस्य स्कोर होता हुआ 21 13 बॉल 21 रन और जीत को लिए चाहिए 65 यानी 44 रन और 17 गेंद एक रन दो रन जीत के लिए चाहिए अभी 42 रन इसमें से एक ओवर पावर प्ले बाकी है हेमंत ठक्कर ने यहां पर बॉल अटका
उन्होंने साबित कर दिया कि वो हफ्ते के साथ मौजूद पकड़ सकते हैं। रघुवंशी के चहेते ऐसे हेमंत ठक्कर आप हंसते रहेंगे मामा, एक बार आपकी हंसी दिखा दीजिए मामा। मैच है यहाँ पर आशा फ्रेगरेंसेस रॉकिंग राइडर्स, रॉकिंग राइडर्स के एक भी प्लेयर नहीं, जबकि महाशक्र के हर जगह पे दो दो प्लेयर छाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर चेतन द्वारा, जो कि भद्रेश्वर के थे, एक उन्नत उतर रहे हैं पहली में ठाकुर के उसकी चेतन। बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण यहाँ पर लॉरेंस द्वारा, लॉरेंस रोज, ये मालूम नहीं घर से क्या खा के आया है, कोई बॉल छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मैं इनको बता दूं किसी को भी फर्स्ट की जरूरत हो तो आप लॉरेंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो बॉल, अंपायर द्वारा कॉल यहाँ पर नो बॉल। हेलो,
और लॉरेंस ने ये मैच में टोटल 5 बाउंड्री बनाई है। वेरी गुड बॉल बाय हार्दिक ठाकुर एंड सागर पुजारा। अरे काम है, आ रहा हूँ। थोड़ा स्कोर में से माइनस 5 हो चुके हैं। आज बॉल आपके घुटने और आपका जो मिल चुका आगे लगा गया है आपके हाथ में। टोटल 5 बाउंड्री बचे हैं आपका अपने जीत के लिए। वेरी गुड भाई, आज के दिन में बेस्ट परफॉर्मेंस आपके लिए खेले लॉरेंस। वेरी गुड आशा डालने गुड शॉट एंड सेंसिबल बैटिंग। आजा निकोल and at the score is 39-39. Last shot of the match. Last shot. Last shot. वेरी गुड शॉट बाय दानिश भैया। 2.2 रन। चले सोने तो गुरु चले निकल चल Thank you.
बैटिंग का सत्ता मारे तो।